तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और ये जो आज का वीडियो है, बेसिकली जो मेरे पिछले तीन वीडियोस पर जो भी आपने कमेंट्स किए थे, ये 300 से ज़्यादा कमेंट्स थे, उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स लेके ये वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने आपका नाम लेके भी आपको बताया है और आपने क्या क्वेश्चन किया था और उसका मैंने आंसर किया था। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, कि आपने फार्मेसी है, नर्सिंग है, BPT है, या आयुष में कोई डिग्री की हुई है, क्या आप कर सकते हैं, और फिर करने के बाद क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं जॉब के। कुछ लोग कन्फ्यूज़ थे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी करें या MHA करें या MPH करें, और कोर्स का क्या होगा, या फिर जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग आप में से आना चाहते हैं MBBS के बाद और BDS के बाद, यहाँ पर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, है ना। ये सारे जो भी क्वेश्चंस आपने कमेंट किए थे मेरे पिछले वाले वीडियोस पे, उन सबको मैंने मिला के ये वीडियो बनाया हुआ है। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप पहले वाले वीडियोज़ भी देखिएगा तीनों। मैंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाले हुआ है, इसको MPH में किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर करके, और फिर इंडिया के बारे में। और पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एडमिशन कौन कौन से कैसे लेना है, कि क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप करने के बाद आप जो है जॉब ले सकते हैं अच्छी जगह, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो MPH का मतलब आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इतना प्रैक्टिस नहीं होती है, कोई भी जो है पब्लिक हेल्थ में कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको बेसिकली जॉब करनी होती है। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर सकते, प्रैक्टिस तो आप जैसे डेंटिस्ट हैं तो आपको वही प्रैक्टिस करनी है, या आप MBBS हैं तो आपको वही प्रैक्टिस कर सकते हैं आप जैसे डॉक्टर। तो कोई ऐसी पब्लिक हेल्थ की कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती है ना। और मोहम्मद अनस ने पूछा था कि BUMS, हाँ जो BUMS बेसिकली जो आयुष वाले हैं, या BAMS हैं, या BHMS हैं, या BAM, जो भी आपकी डिग्री आयुष में, अब वो कर सकते हैं। यस, कोई भी कर सकता है। वैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले तो कोई भी बैचलर डिग्री को ऑफर कर दे रहे हैं ना। तो ये जो कोर्स है बेसिकली ये आपके लिए है, कि जो हेल्थ साइंस रिलेटेड कोई भी कोर्स है सारे लोग कर सकते हैं इसके लिए, है ना, और बेस्ट हो सकता है आपके लिए अगर आपने वो किया हुआ है। एक नदीम अहमद ने पूछा है कि MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट बेस्ट ऑप्शन होगा या MPH, आई एम BSc स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बताया, अगर MPH अगर आप करते हैं, तो अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं या आप हेल्थ साइंस ग्रेजुएट हैं, तो फिर आपके लिए मोस्ट एडवांटेज है। मगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं BSc, तो फिर जो है इतना शायद ना प्रेफरेंस ना मिले फ्यूचर में। सोनाली मनहाल, इन्होंने पूछा है कि MPH के बाद हम कैसे जॉब ढूंढें जो हैं यूनिसेफ में या WHO में। तो आप लोग वैसे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये MPH 2 साल का प्रोग्राम है, और इसके बाद इसमें जो है रिसर्च भी होती है 6 महीने की। तो बहुत सारे जैसे WHO हो गया या यूनिसेफ वगैरह जो हो गया, ये जो हैं कुछ इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। तो कोई भी एक इंटरनेशनल NGO में आप कुछ महीने जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, इवन आप बैचलर डिग्री के बाद भी कर सकते हैं। 2-3 महीने आप पहले करके देखिए, अगर आपको मज़ा आता है काम करने में NGO में, तभी आप इस कोर्स के अंदर आए। इसे एक फिर एक है आबिर अब्दुल्ला करके, एक हमारी आईडी, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि वो MBBS किए हुए हैं इंडिया से, वो MPH करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या मतलब प्रोस्पेक्ट है इस कोर्स का, है ना। तो इस कोर्स का बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट, बहुत ही शानदार कोर्स है मैं कहूँगा। मगर आपने अगर MPH किया ऑस्ट्रेलिया में, जैसे पता है आपको ऑक्यूपेशन होना ज़रूरी है, जो शॉर्टेज की लिस्ट है यहाँ पर, तो पब्लिक हेल्थ तो उसमें नहीं आता है। तो बेसिकली आपको जो है MBBS के बाद ही आपको एज ए प्रैक्टिस एज ए GP काम करना पड़ेगा, वो आपको एग्जामिनेशन जो है पास करना पड़ेगा, AMC 1, AMC 2, उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर यहाँ आने के लिए आप MPH में एडमिशन ले लीजिए और आप यहाँ आ जाइए, और वाली वाली स्टडिंग आप अपना जो है प्रिपरेशन कीजिए, और फिर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं LITON मोला करके, तो इन्होंने पूछा है कि BPO के बाद जो है ये कर सकते हैं। मैंने बताया कोई भी कर सकता है MPH को, मगर जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी हुई है, अगर आपकी डिग्री हेल्थ साइंस में नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। मगर BPO भी एक हेल्थ साइंस का ही पार्ट है, तो आप जो है आप एलिजिबल हैं, आप जो है कर सकते हैं। एक हैं निखिल पुरी करके, उन्होंने बताया कि कम्युनिटी मेडिसिन में फ्रॉम GMC नागपुर से ये जो है BSc कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन में, उसके बाद ये कर सकते हैं। यस, यू कैन डू, एंड मुझे लगता है ये अच्छा कोर्स हो सकता है। और सुराई अली ने पूछा है यहाँ पर जो है MPH का कॉस्ट कितना आता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 2 साल का कोर्स है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी फ़ी जो है 15 लाख से लेके 40 लाख तक, जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं बहुत ज़्यादा चार्ज करें, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, उनकी बहुत ज़्यादा फीस है। मगर
उसके बाद अगर आपने किया तो जॉब करने के चांस आपके 100% हो जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, पूरी दुनिया में इसकी रैंकिंग नंबर 5 पे आती है एम्प्लॉयमेंट के बेस पे ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जगह से किया, अगर आपने सस्ते कॉलेज से किया, किसी कॉलेज से किया, आपने कम फीस दे के, तो शायद इतना ऑप्शन नहीं होगा जॉब का, मगर आपने अच्छी जगह से किया तो जॉब यहाँ पर लग सकती है। सरोवर जहाँ करके एक आइडिया है, उन्होंने पूछा है कि BSc मेडिकल लेबोरेटरी करके उन्होंने जो है डिग्री की है, कि वो MPH कर सकती हैं? यस, आप कर सकते हैं उस डिग्री के बाद भी, कोई भी मतलब है ना कि हेल्थ साइंस के रिलेटेड डिग्री है उसके बाद कोई भी कर सकता है MPH, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। और जो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इसको बढ़ गया, अब हर कोई हायरिंग कर रहा है। मैंने कई बार अभी देखा था जो है अभी जो है कुछ कुछ जो गवर्नमेंट हैं सारे जो है एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, सबको लोग चाहिए जो है स्पेशली जो है एपिडेमियोलॉजी में कोई जो है किया हुआ है। एक महेश गौड़ करके एक आईडिया, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने PharmD किया है 6 साल का, और उसके बाद वो MPH करें या जो है MBA इन हेल्थ केयर, कौन सा बेटर रहेगा, है ना? तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, पर मुझे लगता है कि आपने MPH एक बहुत ही शानदार कोर्स हो सकता है आपके लिए, अगर आपका इंटरेस्ट है ना कि मतलब किसी लोगों की सेवा करना इस टाइप से, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और अब एक क्वेश्चन आता है कि MHA और MPH विच इज़ बेटर, है ना, जो मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा रहेगा या फिर जो है MPH अच्छा रहेगा? अब MHA में जो जॉब लगती है वो बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर ही लगती है, आप उसकी मैनेजर हो जाती हैं, असिस्टेंट मैनेजर टाइप से जो है ना। तो अब हो क्या गया है उसमें भी MHA के बाद भी, अगर आपने अच्छी जगह से किया है और आपकी मेडिकल डिग्री है तब तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री की बात कर रहे हैं, जैसे किसी ने आपने जो है फार्मेसी या नर्सिंग की बात किया, या किसी ने BSc के बाद MHA किया, तो फिर इतना स्कोप नहीं है और इतने सैलरीज नहीं मिलती है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कहाँ जॉब करनी है। इसमें मैंने बताया यहाँ पर आपको ऑफर मिल सकता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके जो है NGO जो है आपको भेजेगा, या WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, आप इन सब जगह पर आप जो काम कर सकते हैं MPH के बाद, मगर MHA के बाद जो है आप एक हॉस्पिटल के अंदर ही आप जो है जॉब कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्कोप रहेगा विदेश के अंदर, है ना? तो जितनी भी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वह उन सब में फिर भी पब्लिक हेल्थ का ज़्यादा स्कोप रहेगा एज़ कम्पेयर टू MHA। जुबैर त्यागी ने पूछा है क्या आप BSc मल्टीकोर कर सकते हैं? यस, यू कैन डू। और मतलब ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने वो पूछा हुआ है, जैसे कि पूछा हुआ है कि शाहाना जस्मिन ने पूछा हुआ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर MPH। जैसे मैंने बताया कि सारे NGOs वगैरह में ही जॉब लगती है, और ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही मलर कंट्री है, तो यहाँ पर इतना NGO का इतना स्कोप नहीं है, मगर फिर भी रूरल एरियाज में जो है जॉब करते हैं NGOs वगैरह यहाँ पर भी, तो वहाँ भी आपकी जॉब जो है लग सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक आरिफ फारूकी का एक क्वेश्चन है कि उन्होंने जो है BA किया था AMU से, और उसके बाद वो MPH कर रहे हैं दिल्ली से, जी यूनिवर्सिटी देहरादून से, अब इसका क्या स्कोप है ना? अब मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपकी मेडिकल डिग्री है, क्योंकि ये हेल्थ केयर का कोर्स है, अब ऐसा नहीं है आज की डेट में जो जॉब मिलती है डिग्री पर नहीं मिलती है, बेसिकली आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी और किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है और आपकी पिछली डिग्री भी किया थी, ये सारी चीज़ें लिंक टुगेदर होती हैं। तो आपने BA किया था, इसका मतलब है आपको हेल्थ केयर की इतनी नॉलेज नहीं है, और आपने वो MPH किया और विदेश आप जाना चाहते हैं, तो इतना स्कोप मैं कहूँगा नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू मेडिकल ग्रेजुएट। मगर आप ऑलरेडी आप MPH कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब आप कुछ साल जो है इंडिया में जॉब कीजिए किसी भी NGO में, उसके बाद फिर आप परस्यू कर सकते हैं PhD और समथिंग इन पब्लिक हेल्थ, तो वो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एक हैं श्रुति वर्मा ने पूछा हुआ है, इन्होंने किया हुआ है जो है लैब टेक का, उन्होंने किया हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी BSc ये कोर्स कर सकते हैं? तो यस, आप कर सकते हैं। मैं जितने भी ये बहुत सारे कमेंट्स में सारे जो है पढ़ नहीं पाऊँगा, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ नॉर्मली, और मेरे पास अगर एक घंटे का भी टाइम होता है तो मैं चाहता हूँ कि उसमें एक वीडियो बनाकर डाल दूँ, है ना? तो बहुत सारे आप लोगों जितने भी लोग हैं सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली चैट करना चाहते हैं, कोई मुझे मैसेज कर देता है या ना फेसबुक पे या उस पे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक इंडिविजुअली रिप्लाई करूँगा, है ना? तो अगर आप कोई भी मेरा वीडियो पर मैं जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और मोस्टली मैं रिप्लाई भी करता हूँ कमेंट को जब भी मेरे पास जो है टाइम होता है। बेसिकली जब भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा होता हूँ तो मैं अपने फ़ोन में देखते हुए कमेंट्स को मैं जो रिप्लाई कर देता हूँ उस टाइम पे, जो ना जितनी मेरी 40 मिनट की मेरी ट्रेन की जर्नी होती है तो उस टाइम पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो है ना? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कीजिए कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको कुछ पूछना है, या आपको कुछ भी किसी न्यू वीडियो आपको बनाना है कि किस पर मैं वीडियो बनाऊँ, है ना? तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ अगर आपने कुछ ऐसा कोई आपने अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया। ये सचिन भारती अगेन वही BHMS, तो कोई भी आयुष वाला है सारे लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं, आयुष वाले भी सारे जा सकते हैं।
देखिए बैद्यनाथ दास करके एक आईडिया, उन्होंने पूछा है कि जो उन्होंने जो है बीएससी ऑप्टोमेट्री किया हुआ है, बैचलर की 4 साल की जो होती है ऑप्टोमेट्री में, और उसके बाद वो एमपीएच करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं? उन्होंने कहा यस कर सकते हैं आप, कोई भी कर सकता है, मगर वो प्रेफरेंस जो होता है, जब आप, मैंने बताया ना इसके 3 प्रोसेस हैं एडमिशन के जो है ना, जैसे कि एक तो आपकी डिग्री देखी जाएगी, उसके बाद फिर जो है एक कुछ जगह जो है इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ जगह जो है एमसीक्यू एग्ज़ाम है, कुछ जगह ना, तो सारे प्रोसेस जो है, अब फर्स्ट प्रेफरेंस तो भैया एमबीबीएस और बीडीएस को ही रहेगा, उसके बाद फिर बाकी जो है एलाइड हेल्थ साइंस वाले रहेंगे। तो यहाँ पर आयशा आर करके एक आईडी है, और उन्होंने बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन किया हुआ है। शी इज़ फ्रॉम जामिया हमदर्द एंड शी डिड हर बीयूएमएस एंड शी थिंक दैट देयर इज़ अ 4 ऑप्शन विच इज़ बेस्ट। नंबर 1 एमडी और एमएस यूनानी में, नंबर 2 इज़ अ एमबीए हेल्थ केयर, और नंबर 3 जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, नंबर 4 नंबर 3 पे एमपीएच, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? तो आपने अगर बीयूएमएस की डिग्री ली है, तो अगर आपने एमबीए जो है एमडी या एमएस कर लिया, तो उसके बाद एटलीस्ट आप लेक्चर तो बन ही सकते हैं किसी यूनानी कॉलेज के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको जो है कुछ अलग करना है, कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं उस सब के अलावा, तो फिर एमपीएच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू एमबीए, है ना। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को जाने की जरूरत नहीं है, कुछ इट नॉट ए गुड स्कोप। क्वेश्चन ये साक्षी ने भी किया था, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जो है ना कि शी इज डूइंग बीडीएस इंटर्नशिप एंड शी वॉन्ट टू, उसको पता नहीं है कि कैसे एडमिशन होता है और क्या किया जाए, सारा मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। और आप में जो मैंने नाम बताए हैं, आप इंडिविजुअल की आप खुद से मेहनत कीजिए, खुद से जाके आप सर्च कीजिए उस यूनिवर्सिटी में जो है। पहली बात, आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, आप अपना जस्ट पैसा ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप एडमिशन लेने से पहले उस यूनिवर्सिटी उस कोर्स के बारे में पूरी रिसर्च कर लें। आप रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट कितनी, उसकी रेपुटेशन है, कितना ओल्ड है, या जो एक्स स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, अगर आप किसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लिंक्डइन पे फेसबुक पे कहीं ना कहीं बंदा मिल ही जाएगा, तो कोई मिल जाता है आपको, वो आपको अच्छी तरह से फीडबैक दे सकता है, उसके बाद ही आप एडमिशन लें। बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं एमपीएच के लिए, और वहाँ पर जो है उसके बाद जॉब नहीं मिलती है ना, या जॉब मिलती है बहुत कम पैसे, फिर आप लगते हैं यार हमने क्यों किया सर, अच्छा मैं पहले ही बैचलर डिग्री के बाद जॉब कर लेता है ना। तो फिर जहाँ भी आप कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च करें। अब एब्रॉड का भी वही हाल है कि अब्रॉड बेसिकली जो पब्लिक हेल्थ है, आपका इंटरेस्ट रिसर्च में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है रिसर्च करने में, लोगों से बात करने में, स्पेशली जो पुअर लोग होते हैं उन सब का, जो गांव में रूरल एरिया लाइफ के बारे में और सब के बारे में, तो फिर आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस कोर्स को करने में। जे जे हॉस्पिटल एमपीएच कोर्स, जे जे आई मीन कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो गुड है, आप उसको चले जाइए, आंखें मीच के ज़्यादा सोचिए मत, है ना। फिर भी आप ट्राई कीजिए, ये जो मैंने नाम बताएं, ये टॉप के यहाँ पे अगर एडिशन किए हैं ट्राई कीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप लोग जो है वहाँ पर जो है जा सकते हैं। कमल करके एक आडियो, उन्होंने बताया कि बैचलर डिग्री पब्लिक हेल्थ में कर रहे हैं, और आप वो जानना चाहते हैं कि एमपीएच का क्या करो। तो भैया आपने अगर बैचलर डिग्री कर ली है पब्लिक हेल्थ में ही, तो फिर आपके पास तो एक ही ऑप्शन है, आपको तो मस्ट करना चाहिए एमपीएच, और उसके बाद में स्कोप है ना। इनिशियली मे भी हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि आपको नीचे की जॉब मिलेगी। अब एक बात आती है, एक मुझे याद पड़ रहा है, एक एमबीबीएस के स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि बेसिकली पब्लिक हेल्थ पे करते कि जो पब्लिक हेल्थ जो एमपीएच का जो एक्सपर्ट है, बेसिकली आपने एक स्टडी को डिज़ाइन करना है, कैसे करना है वो सारी चीज़ें, और मैनेज करना है प्रोजेक्ट को, वो सारा आपका काम होगा। अब आप जो हैं डेटा कलेक्शन करना फॉर एग्जांपल, तो फिर उसके लिए डेटा कलेक्शन के लिए आप दूसरे लोगों को हायर करते हैं, वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। मोस्टली आपको जो है सुपरवाइज करना होता है, जो ना रिसर्च करनी है या कोई जो है सर्वे करना है ना। अभी फॉर एग्जांपल अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितना उनको नुकसान हुआ है ना, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ है, या कोई जो है मेंटल हेल्थ का ऐसा, तो कोई भी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको जो है डोर टू डोर सर्वे करना पड़ेगा, है ना। अब आप इसे दिल्ली हो गया, अब दिल्ली में पूरा सर्वे तो सबके पास जाना तो इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ के तो पॉपुलेशन 2-2.5 करोड़ है। तो फिर आप जो है सैम्पल साइज करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे कि कौन कौन से एरिया में कितने कितने लोगों को आप ऐसे चूज़ करेंगे, तो ये सारा जो काम होता है बेसिकली ये एमपीएच करते हैं, और जो फिर डेटा कलेक्टर्स को वो हायर करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं डेटा कलेक्टर्स को, कैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, कैसे आपको रिसर्च करनी है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं।
हाँ, एक ये वेरोनिका आर्या का एक क्वेश्चन है कि उन्होंने MBBS किया है चाइना से और उसके बाद जो है MPH कर सकते हैं या नहीं। आप कर सकते हैं बिल्कुल ही। अब बेसिकली मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने चाइना से किया या रशिया से कर लिया है ना, या जितनी भी कंट्री से आपने कर लिया और उसके बाद आप जो है MCI का जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं कर पा रहे, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है ना। तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है MPH। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप जैसे डॉक्टर नहीं बन पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मस्त चले जाइए, या तो आप MHA कर लीजिए या फिर आप जो है MPH कर लीजिए। ये दोनों ही कोर्स आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकते हैं। अब आपका इंटरेस्ट के ऊपर है और कौन सा आप करना चाहेंगे। एक विपुल मिश्रा का एक क्वेश्चन है कि MPH करने के बाद जितनी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, जैसे अपोलो हो गया या मैक्स हो गया कोई भी है ना, तो ये सारे हॉस्पिटल्स के MBBS वालों को ये जॉब देते हैं या नहीं। बेसिकली ये लोग जॉब, ये यहाँ जॉब नहीं होती है, ये लोग रखते हैं, एक आध को रख लेते होंगे एपिडेमियोलॉजिस्ट उस टाइप को, पर बेसिकली आपकी जॉब यहाँ नहीं है। आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आप फॉर एग्जांपल, आपको जो है WHO का आपको हेड बना दिया गया, आप पूरी कंट्री को आप जो है लीड कर रहे हैं, अगर स्पेशली अगर आपने MBBS और जो है MPH कर लिया, या आप MD आपने किए हुए हैं या कम्युनिटी मेडिसिन में, उसके बाद आपने MPH किया, या MD फार्माकोलॉजी में थे आप, उसके बाद आपने MPH किया, तो फिर डेफिनेटली आप पूरी कंट्री को आप लीड करेंगे। आप बोलेंगे यार WHO का मैं हेड हूँ, या फिर जो है ग्रेट मिलिंडा फाउंडेशन का मैं हेड हूँ, या यूनिसेफ का मैं हेड हूँ। ये अभी के इनिशियली आपको जॉब नहीं मिलेगी ये सब, हाँ 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद डेफिनेटली आपको यही सब जॉब करनी है, यही सब आपको करना है। जो पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी को आपको जो है कैसे इंप्लीमेंट करना है, और कैसे कैसे जो है डिजाइनिंग करते हैं रिसर्च को, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें ही MPH करने सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो कमेंट्स की जो बारिश है वो कमी नहीं हो रही है, मैं स्क्रॉल डाउन करे चला जा रहा हूँ, और मेरे पास अब ठीक है इसको यहीं पर मोस्टली सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चन के मैंने यहाँ पर जवाब दे दिए हैं। अगर कुछ भी अगर रह गया है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, या फिर मैं एक और न्यू वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ये दो वीडियो, बेसिकली ये चार वीडियो हो गए हैं MPH के ऊपर, तो आपको चारों वीडियो देखने हैं, और उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा आपको कुछ समझ में नहीं आता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।